हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में मैं बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में आगे बात करूँगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखो, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। नहीं देखी हो तो आई बटन में चेक कर लो, आपको वीडियो का लिंक ज़रूर मिलेगा, उसको जाके पहले देख लो। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ओके? शेयर करना है वीडियो को, अभी लाइक बटन दबा दो, ओके? और ताकि मेरे को भी बूस्ट मिल जाए। तो कल मैंने कुछ टास्क वगैरह दिया था आप लोगों को करने के लिए, और मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों ने कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। कुछ ने मुझे रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, उनके अंदर मेरे को देखा कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं, राइट? वो मेरे से पूछ भी रहे थे, एंड कमेंट्स वगैरह भी आए थे कि यार उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि बेसिकली आपको वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक माय डेटा के नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ डाले थे, बट मुझे ये पता है कि हाँ मैंने टास्क क्या दिया था। तो मैंने डाल दिया ऐसा कुछ, और एक रूबी डाल दिया, और एक लिस्ट थी उसके अंदर जो कि कुछ इस टाइप से थी, और इसमें कुछ और भी वर्ड्स, बेसिकली एरे थे, एरे के अंदर एलिमेंट्स थे, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया। अब टास्क बेसिकली ये था कि इसके बड़ी वाली लिस्ट के अंदर जो ये छोटी वाली लिस्ट है उसके अंदर मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, लेकिन मैंने एक और कंडीशन रखी थी कि वो एक लाइन में होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि यार आप वो एक लाइन में कर पाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक कि ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो बिगनर होंगे काफ़ी ज़्यादा, कोई नहीं, आप इसको 4 लाइन में करते हो, 3 लाइन में करते हो, 2 लाइन में करते हो, करो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये इंडेक्स वैल्यू किस में है, मैंने आपको इंडेक्स वैल्यू चेक करने के तरीके से बताया था कि हाँ इंडेक्स वैल्यू क्या होता है। अब ये देखिए, इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना कि मैंने बेसिकली क्या दिया था। इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, एक है पाइथन जिसका इंडेक्स वैल्यू है 0, दूसरा दूसरा आइटम है विंडोज़ जिसका इंडेक्स वैल्यू है 1, तीसरा है रूबी जिसका इंडेक्स वैल्यू है 2। अब इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर ये एक छोटी सी लिस्ट है, आप देख रहे होंगे रूबी के बाद एक कोमा लगा हुआ है, और इस लिस्ट के बाद में एक कोमा लगा हुआ है, मतलब कि इस पूरी की पूरी लिस्ट का भी एक इंडेक्स वैल्यू होगा इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर। मीन्स 0, 1, 2, 3, मतलब कि ये जो छोटी वाली लिस्ट है इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, इसका इंडेक्स वैल्यू है 3, राइट? तो इसका क्या है, 4, 5, ओके? अगर मैं चेक करता हूँ माय डेटा डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मैं किसका चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर आइटम का। इस तरीके से मैंने डाल दी कॉपी करके, पेस्ट, एंटर किया, 3 आ गया। अब मैंने बताया था कि अगर मैं माय डेटा करके अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको टारगेट, राइट? मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, इसको, ओके? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कुछ इस टाइप से लिखूँ, इस बड़ी वाली लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 3, तीसरी लोकेशन पे है वो, और इसमें अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, अगर मैं इस तरीके से टारगेट करता हूं तो क्या मेरे को क्या क्या चीज़ मिलेगी, मेरे को मिलेगी वो अंदर वाली छोटी वाली लिस्ट, राइट? अब मेरे को यहाँ पर ही डॉट अपेंड मैं लगा दूंगा, और इसमें मेरे को आइटम डालना है 4, राइट? अब ये बड़ी वाली लिस्ट के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को लिखने का मतलब क्या हो गया, मैं टारगेट कर रहा हूँ इस छोटी वाली लिस्ट को, और मैं इस छोटी वाली लिस्ट में अपेंड फीचर यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे अपेंड करना क्या है, मुझे अपेंड करना है 4।
इसलिए मैंने 4 लिख दिया। अब जब मैं माई डेटा देखूंगा तो मुझे छोटी वाली लिस्ट में 4 दिखेगा, राइट। तो ये कुछ हो गया इस तरीके से, आप लगा लो जैसे बेसिकली मतलब एक लाइन के अंदर अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से देख लो एक लाइन के अंदर। बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ निकालनी पड़ गई जो कि है इंडेक्स वैल्यू, राइट। मुझे इंडेक्स वैल्यू निकालनी पड़ी, ओके। आप इसको भी और डायनेमिक कर सकते हो, राइट। तो वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो वो आएगी प्रैक्टिस से। आप इसको डायनेमिक कैसे कर सकते हो? डायनेमिक करने के लिए आपको जस्ट एक वेरिएबल्स का यूज़ करना है। इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया कुछ इस तरीके से, जैसे कि इंडेक्स लिस्ट, मैंने इसको बनाया लिस्ट अंडरस्कोर इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू, और मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर मेरा कौन सा रिजल्ट सेव होगा? वो होगा 3, ये वाला 3। अगर मैं देखता हूँ, अब तो बेसिकली उस लिस्ट में 4 आइटम भी है तो ये उसको टारगेट नहीं कर रहा है, इसी चीज़ का वो एरर है कि वो पर्टिकुलर आइटम जिसको आप सर्च कर रहे हो वो लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो चेंज हो चुका है, अब वो ये है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लगाया। अब अगर मैं करता हूँ तो लिस्ट अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर वैल्यू, अगर मैं ये देखूँगा तो उसके अंदर 3 सेव हो गया, राइट। तो अब ये जो वैल्यू सेव हुई है आप इसका यूज़ करके इसको डायनेमिक बना सकते हो, राइट। तो ये था एक छोटा सा टास्क बेसिकली आप लोगों के लिए, और मैंने इसका आंसर दे दिया आपको। मैं और भी टास्क आपको देता रहूँगा इसी तरीके से, आपको वो करने होंगे, एंड वो तो आपके ऊपर है कि आप उसको करते हो नहीं करते हो, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आप वो करोगे। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, राइट। तो आज हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी बेसिकली आप इसको जेसन भी कह सकते हो, काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी होगा, काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने बस इसको बस देखा ही होगा, ठीक है, यूज़ नहीं किया होगा। तो डिक्शनरी जस्ट लाइक अ जेसन, एंड पाइथन के अंदर हम उस जेसन को जेसन भी बोलते हैं एंड उसको हम डिक्शनरी भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। आप उसको जेसन भी बोल लो, आप उसको डिक्शनरी भी बोल सकते हो, राइट। बट डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हो जाता है, जैसे कि अगर आप जेसन वगैरह का ऑब्जेक्ट वगैरह बना लोगे तो आपको कुछ जेसन्स वाले फीचर्स मिलेंगे, अगर आप डिक्शनरी यूज़ करोगे तो डिक्शनरी के अंदर आपको डिक्शनरी वाले फीचर्स मिलेंगे। बट काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि आप उसको जो उसका काम है वो बेसिकली सेम ही है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब अभी मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी बेसिकली क्या है कि आप एक एरे बना रहे हो, एरे के अंदर आपने कुछ आइटम स्टोर कर दिए, ये मेरा एरे है, मतलब ये मेरी एक लिस्ट हो गई, एंड अगर मैं उसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ वो मेरी टपल हो गई। लेकिन मैं बहुत सारा डेटा एक बार में लेके जाना चाहता हूँ, मल्टीपल डेटा, मल्टीपल मतलब कि उसमें हो सकते हैं लिस्ट भी हो सकते हैं टपल्स भी हो सकते हैं फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकता है बुलियंस वैल्यूज़ भी हो सकता है इंटीजर्स भी हों, ऐसे बहुत डेटा, बहुत सारा डेटा, राइट। तो उन चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिक्शनरी का यूज़। मीन्स मैंने यहाँ पर बनाया माई अंडरस्कोर DICT डिक्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू, ये मेरा एक वेरिएबल है। अब जो डिक्शनरी होगी वो कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू बनेगी, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू अगर आप इसको सिंपल इस तरीके से एंटर कर दोगे तो ये बन जाएगा सेट। देखो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। अब जो डिक्शनरी है वो चलती है की और वैल्यू के फॉर्म में, की कॉलन वैल्यू, राइट। तो ये हो गई मेरी की,
और ये हो गई मेरी वैल्यू। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने आपको एक वेरिएबल बताया था, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेव होती है। अगर मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को टारगेट करूँगा तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर हुआ डेटा होगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल मुझे दे देगा। सेम वही चीज़ है, अगर मैं इस की को टारगेट करूँगा तो इस की की जो वैल्यू होगी वो ये होगी, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पर अब मैंने अगर मल्टीपल लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, की टू कॉलन वैल्यू टू, इसी तरीके से मल्टीपल कॉमा की थ्री कॉलन, एक पूरी की पूरी लिस्ट हो गई। ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, टपल भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैंने ऐसे लिख दिया टू, ये स्ट्रिंग हो गया, इस तरीके से कुछ भी, इवन पूरी की पूरी डेटा करके अगर मैंने लिख लिया, और इसके अंदर भी एक डिक्शनरी हो सकती है। तो इसको मैंने लिख लिया ए, उसकी वैल्यू हो गई ए बी सी या ऐसा कुछ, कोमा एक और वैल्यू, पाइथन या लैंग्वेज जो भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इवन ये नन भी रह सकता है, ठीक है, क्योंकि नन भी एक टाइप है। तो माई डेटा, सॉरी माई डिक्ट अंडरस्कोर डेटा अगर मैं देखता हूँ तो इस तरीके से दिख जाएगा, राइट। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिस तरीके से मैंने बताया। अब मैं टारगेट किस तरीके से करूँगा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर की को देखना चाहता हूँ या मेरे को ये चीज़ चेक करनी है। अभी तो ये तो मैंने बहुत छोटी बनाई है, हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो डिक्शनरी। तो उन चीज़ों पे मैं इसको इसको इस पे किस तरीके से काम करूँगा, मेरे को देखना है कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ हैं, वो चीज़ अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। माई अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट कीज़, इस तरीके से। तो मुझे उस डिक्शनरी की जितनी भी कीज़ होंगी वो सारी की सारी दे देगा, और इसका जो टाइप होगा वो लिस्ट होगा। ये देखने में लग रहा है डिक्ट कीज़, बट ये लिस्ट टाइप है, ठीक है। तो ये किस टाइप से आएगा, लिस्ट टाइप आएगा। अब अगर मुझे वैल्यूज़ सारी की सारी वैल्यूज़ देखनी है तो मैं यहाँ पकड़ दूंगा वैल्यूज़, जिस तरीके से मैंने आपको लिस्ट के फंक्शंस बताए थे उसी तरीके से ये डिक्शनरी के फंक्शंस हैं, कीज़ वैल्यूज़, राइट। तो वैल्यूज़ करूँगा तो सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे कि ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है टू, ये मेरी वैल्यू है लिस्ट, ये मेरी वैल्यू है और नन मेरी एक वैल्यू है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी इसमें, ओके। अब इसमें गेट भी होता है, गेट का यूज़ आप कर सकते हो, बट आप इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं गेट यूज़ करता हूँ, मुझे की मैं किस की को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं गेट क्या करना चाहता हूँ, मैं गेट करना चाहता हूँ पर्टिकुलर की वैल्यू, ठीक है। तो की मेरी कौन सी होगी, जैसे कि मैं डेटा गेट करना चाहता हूँ या फिर मैं पाइथन गेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट के अंदर पाइथन, एंटर करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो नन टाइप है, राइट, क्योंकि वो नन है, वो ब्लैंक है, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिखाया इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ करता हूँ डेटा तो मुझे डिक्शनरी दिखेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर की वैल्यू डिक्शनरी है, ओके। अगर मैं की थ्री करता तो मुझे क्या दिखेगी, मुझे दिखेगी की थ्री की जो वैल्यू है वो है लिस्ट, तो मुझे लिस्ट दिखेगी, राइट। आप इसको इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हो, माई डेटा, माई डेक्ट डेटा के अंदर मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है डेटा। ये इस तरीके से आप एक की को टारगेट कर सकते हो, अगर वो की एग्जिस्ट करेगी तो आपको मिल जाएगा डेटा, अगर की एग्जिस्ट नहीं करेगी इसमें, एंड इसमें भी ऐसा ही होगा, राइट। अगर वो पर्टिकुलर की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपको हो सकता है ये कुछ एरर दे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऐसी कोई की नहीं है तो की एरर, राइट, क्योंकि वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट अगर आप यहाँ पर क्या करते,
अब यहाँ पर डेटा है, राइट right? तो अगर मैं करूँगा डेटा इक्वल टू माय वैल्यू, तो जो डेटा स्टोर है, जो की मेरी पहले से स्टोर है डेटा, उसकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी. माय टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा की, जो डेटा की थी उसकी वैल्यू हो गई माय वैल्यू, वो ओवरराइड हो गई. मींस अगर यहाँ पर मेरी कोई की माय न्यू, मैंने इसको ऐसे लिख लिया न्यू अंडरस्कोर की, न्यू की, और इसको मैंने लिख लिया न्यू वैल्यू. अब न्यू अंडरस्कोर की तो कोई की नहीं थी, तब क्या होगा? तब ये क्या करेगा, उस डिक्शनरी के अंदर न्यू अंडरस्कोर की के नाम से एक की बना देगा और उसकी वैल्यू न्यू वैल्यू कर देगा. मतलब कि जस्ट लाइक अ अपेंड, राइट, न्यू की और न्यू वैल्यू, राइट. तो इसी तरीके से आप डिक्शनरी का यूज़ करते हो. ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट. वो मैं मतलब जब हम बेसिकली प्रोग्राम्स लिखेंगे, राइट, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो गया, फ्रॉम की हो गया, ऐसे बहुत सारे अपडेट हो गया, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है. तो इनका यूज़ मैं तब बता पाऊँगा जब जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे, ऐसे नहीं, राइट. तो मे बी इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने आपको दिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. एंड मैं आपको नया भी एक काम दे रहा हूँ डिक्शनरी के ऊपर, मैं अभी आपको कोई काम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है. तो इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से, होम वर्क, राइट. और होमवर्क क्या होगा आपका, जैसे कि आप एक वेरिएबल बनाएंगे माय अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू डेटा होगा वही, मैं आपको लिस्ट का ही कुछ दे रहा हूँ. इसमें हो गया हेलो और दूसरा हो गया पाइथन, तीसरा हो गया विंडोज़, मैं पता नहीं हमेशा ही ऐसी क्यों कीज़ बनाता हूँ, रूबी, अगेन पाइथन, और चैनल का नाम डाल देते हैं और यूट्यूब डाल देते हैं, राइट. एक है हेलो, पाइथन, विंडोज़, रूबी, अगेन पाइथन, रेड आकाश, यूट्यूब, राइट. तो इस तरीके के कुछ वैल्यूज़ हैं. आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि अगर मैं माय अंडरस्कोर डेटा डॉट इंडेक्स, मैं इंडेक्स देखता हूँ किसका, पाइथन का, तो ये मुझे हमेशा बताएगा इस फर्स्ट वाले पाइथन का, समझ रहे हो. मतलब कि अगर मैं इंडेक्स देखता हूँ हमेशा, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, मुझे दिखाएगा ये हमेशा पहले वाले पाइथन का इंडेक्स वैल्यू. लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इस सेकंड वाले पाइथन की इंडेक्स वैल्यू, और मुझे यूज़ करना है इंडेक्स फंक्शन ही. मतलब कि आपको कोई और फंक्शन यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है सिंपल ये इंडेक्स फंक्शन. आप इसमें कुछ भी सर्च कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, कुछ भी, ठीक है. क्योंकि मैं आपके अंदर वो मतलब बेसिकली जो डेडिकेशन होती है वो जग जाएगी अगर आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो वो डेडिकेशन मैं आपके अंदर जगाना चाहता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ऊपर ही निर्भर रहो, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा YouTube में वीडियोस ही हमेशा ढूंढो, नहीं, ज़रूरी नहीं होगा कि आपको हर एक चीज़ YouTube पे मिल जाए, आपको हर एक चीज़ Google पे मिल जाए, राइट. आप जितना सर्च कर सकते हो सर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन कितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, ओके. तो आपको करना कुछ ऐसा है, सेकंड वाले पाइथन की इंडेक्स वैल्यू ढूंढनी है, ओके okay? तो आपको जो यूज़ करना है वो इंडेक्स फंक्शन ही यूज़ करना है. तो यह आपका होमवर्क है, ओके. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा क्या है. सब्सक्राइब करो, कुछ सीखना चाहते हो तो, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना किसी और के साथ, जो भी पाइथन वगैरह सीख रहा है उसके साथ, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.